कानपुर में हैलट के न्यूरो सर्जरी विभाग में प्री मेच्योर पैदा हुए एक बच्चे की स्थिति फिल्म थ्री इडियट के प्रिया के बच्चे की तरह हो गई है। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, धड़कन भी नहीं सुनाई दे रही थी, जिसके बाद न्यूरो सर्जरी विभाग के 3 जूनियर डॉक्टरों ने रेंचो बनकर बच्चे के मुंह में सांस दी। कुछ देर बाद बच्चा रो पड़ा और सांस क्रिया व दिल की धड़कन सामान्य हो गई। बच्चे को बाल रोग अस्पताल के ICU और माँ को जच्चा बच्चा अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 2 दिन बाद बच्चे की स्थिति सामान्य है। तो वहीं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य सामान्य है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने भी विभाग को बधाई दी है। तो वहीं स्त्री रोग विभाग के डॉक्टर बुलाने से पहले ही उसका प्रसव हो गया था। वहीं गर्भवती महिला संध्या हिमापुरवा कानपुर देहात की रहने वाली थी। 26 जून की रात पति से शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। पति ने गुस्से में उसे घर की पहली मंजिल से धकेल दिया, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई थी। वहीं स्थानीय डॉक्टरों के हाथ खड़े कर देने पर उसे न्यूरो सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह के अंडर में भर्ती किया गया। तो वहीं डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि उसको अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और 8 महीने में ही बच्चे का प्रसव कराया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाने का समय नहीं था, तो जूनियर छात्रों ने ही नर्स के साथ प्रसव कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।